हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का अपना बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है। परसेंटेज से आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मिक्सचर, एलिगेशन और एवरेज, हर जगह आप देखते हैं परसेंटेज का यूज़ होता है। ओवरऑल सारी मैथमेटिक्स, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो, हर जगह ही परसेंटेज का इस्तेमाल आप करते हैं। तो परसेंटेज इज नॉट द चैप्टर, इट्स अ प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका यूज आपको बड़ी समझदारी से करना आना चाहिए। आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100, है ना। इसका मतलब, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना, आउट ऑफ 100 100 में जो मान प्राप्त होता है वही परसेंटेज कहलाता है। जैसे मैं कहूं 100 का 1% तो आप कहोगे 1, तो आप देखते हैं 100 का 1% ही परसेंटेज होता है, इसीलिए 100 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 1, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 25% की वैल्यू आप निकालिए, तो आप क्या करते हैं, 25/100, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, इसका मतलब 1/4। तो आप क्या करते हैं कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो आप 100 से डिवाइड कर देते हो। तो परसेंटेज वैल्यू को अगर आपको भिन्न के रूप में देखना है तो आप क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं या 1/100 से मल्टीप्लाई। अगर मैं कहूं कि 1/4 को परसेंटेज में चेंज करूं तो आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो और एक परसेंटेज लगा देते हो। 100 से मल्टीप्लाई किया है और परसेंटेज की वैल्यू क्या है, 1/100, तो 100 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसीलिए फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए केवल आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, वो आपको देता है परसेंटेज। इसका मतलब भिन्न को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 100 से। तो ये चीज तो आपको आती होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बात है यहाँ पर क्या समझने की, बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये समझने की कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में दिखाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि 25% इज इक्वल टू 1/4, है ना। चाहे मैं परसेंटेज वैल्यू इस यूज करूं चाहे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू करूं, मान क्या एक ही प्राप्त होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि अगर मैं 436 लिख दूं और मैं कहूं कि 436 का 25% कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं 25% निकाल सकता हूं। निकालना अलग बात है, लेकिन कितने कम समय में आप निकाल सकते हो ये मैटर करता है। तो मैं जानता हूं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, तो मैं क्या करूंगा, 1/4 कर दूंगा। तो 4 1 4 4 9 36, तो डायरेक्टली 436 का 1/4 निकल के आगे कितना, 109। तो हम देखते हैं कि छोटी सी वैल्यू में परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच डिफ्रेंशिएट करके मैंने आंसर जल्दी निकाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सवाल को हल करने में अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो कितनी जल्दी कर सकता हूं। तो डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है। ऐसा है नहीं कि परसेंटेज के क्वेश्चन हमेशा फ्रैक्शन से आसान हो जाएंगे, लेकिन हाँ, सवाल जितने मुश्किल होते जाएंगे परसेंटेज में, उतने आसानी से वो फ्रैक्शन से निकलते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ परसेंटेज वैल्यू जो उम्मीद करता हूँ कि आपको आती होंगी, उसकी मैं फ्रैक्शंस वैल्यू लिख रहा हूँ, उनको आप हमेशा याद करिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, जैसे कि मैं लिख दूँ 372 का 33 1/3% निकालू, है ना। क्या आप वर्बली निकाल सकते हो, नहीं। वर्बली आप तभी निकाल सकते हो जब 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता हो, 1/3। तो इसका मतलब कि 372 का 33 1/3% निकालना है, या कह सकता हूँ 1/3 निकालना है। तो 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो क्या गया, 124। तो आप केवल इस बात से समझिए कि चाहे मैं परसेंटेज वैल्यू यूज करूं चाहे फ्रैक्शन वैल्यू, डजंट मैटर, एक ही बात है, ठीक है। चलिए पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू जाने, इससे पहले आप इस चीज को जान लीजिए कि जैसे मैं कह दूं कि 25% की वैल्यू क्या थी, 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, 1:4। इसका मतलब परसेंटेज का कन्वर्शन ही रेशियो है और रेशियो का कन्वर्जन ही परसेंटेज है, याद रखिएगा।
परसेंटेज से रेशियो हम बना रहे हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, और जब रेशियो से परसेंटेज बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई। यही चीज हमने अभी सीखा है ना। तो आप जानते हैं कि 1/4, जैसे कोई क्वेश्चन आपके कभी कभी आ जाता है कि 2:3 को प्रतिशत में लिखो, मुझे लग रहा है कि शायद मार्कर हल्का हो गया है, तो आप बताइए। ठीक है, मैं अभी चेंज कर देता हूँ उसको विद इन सेकेंड। देखिए तो सॉल्यूशन क्या होगा, रेशियो है 2:3 का मतलब 2/3, और हम जानते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 2/3 की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर हमें सॉल्व करना होगा, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे 1/3 की वैल्यू 33 एंड 1/3 होता है, तो 2/3 कितनी हो जाएगी, 66 एंड 2/3%। ठीक है, अभी जैसे मुझे याद है कि भाई 2/3 की वैल्यू 66 एंड 2/3 होता है, आपको याद नहीं, लेकिन आने वाले 5 मिनट में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी क्या किया हमने, केवल मल्टीप्लाई कर दिया 200/3, 200/3 को लिख सकते हैं 66 एंड 2/3%। ठीक है, तो इस तरह के छोटे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 की वैल्यू क्या होती है, 100%। 100% का मतलब है 100/100। 100/100 का मतलब है 1। जब आप इसको आधा करोगे, 1 का आधा 1/2, तो परसेंटेज वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। फिर इसको हाफ करोगे तो ये हाफ हो जाएगी, फिर इसको हाफ करोगे तो ये हाफ हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप, फिर इसको हाफ करोगे तो ये हाफ हो जाएगा, 6 and 1/4% या 6.25%, है ना। फिर हाफ करोगे तो 1/32, 1/32 आउट ऑफ रेंज है, कभी एग्जाम में आपको दिखने को नहीं मिला। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, 1 की वैल्यू 100%, 1/2 इज नथिंग बट 50%, 1/4 25%, 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, 1/16 इज नथिंग बट 6.25%। समझ पा रहे हैं आप इस तरह से, है ना। आइए 1/3 33 एंड 1/3% इज इक्वल टू 33.33%, है ना। इसको आधा करेंगे तो 1/6%, 1/16 भाई इसको भी, हमने आधा किया तो इसको आधा करने पे क्या मिलेगा, 16 and 2/3%, विच इज इक्वल टू 16.66%। ठीक है, फिर इसको आधा किए 1/12, तो ये आ गया 8/1/3%, जिसे आप लिखते हैं 8.33%। ठीक है, फिर 1/24 करेंगे तो उसको आउट ऑफ रेंज है, छोड़ दीजिए, या आप निकाल सकते हो निकाल लीजिएगा। तो 1/3 33 and 1/3%, 33.1/3%, जिसे कहते हैं 33.33%। जान लीजिएगा ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है 33.33। ठीक है, 33.33 लगभग मान में आता है। 1/3 का मान इस तरह से आपके एग्जाम में आता है ज्यादातर, इस तरह से अगर आता तो अच्छी बात है, जिस तरह से आया देख लीजिएगा। 1/6 की वैल्यू 16.66 या 16/2/3%, 1/12 8/1/3% या 8.33%। ठीक है, तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इधर देखते हैं 1/5 क्या हो गया भाई, 20%, 1/10 क्या हो गया, 10%, और 1/20 क्या हो गया, 5%, है ना। 1/5 20%, ये आधा हुआ, आप समझ रहे ना आधा कैसे हो रहा है, ऐसा ना हो कि आप समझ ना पा रहे हो। 1/5 का जब मैं आधा करूंगा तो 2/2,
तो क्या हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 1/10। फिर 1/10 का आधा करूंगा तो बटे में 2, तो 1/10 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा, 1/20। ठीक है, और क्या है आप देखिए थोड़ा सा और, 1/9 की वैल्यू होती है 11 से ही 1/9%, इसका मतलब 11.11%, और 1/11 की वैल्यू होती है 9 से ही 1/11%, मतलब 9.09%। ये दोनों एक परिवार के हैं, जब यहां पर 9 है तो यहां पर 11 है, जब यहां पर 11 है तो यहां पर 9 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/8। परसेंटेज 14.28%, इसको आधा करेंगे तो 1/14, मतलब 7 1/7%। ठीक है, इसको आधा किया तो इसको भी आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7.41%। ठीक है, तो 1 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13 कोई वैल्यू आती नहीं, 1/14 हो गया, 1/15 है ना, एक बटे पंद्रह की आप देख लीजिए 6 से 2/3, मतलब 6.66%। ठीक है, तो इस 1/15, 1/16, 1/17 की वैल्यू कुछ नहीं, तो इतनी वैल्यू काफी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 1/12 तक थी, 1/13 की वैल्यू कभी आई नहीं, वो निकल नहीं, उसको निकालना पड़ेगा, कभी आया नहीं, 1/14 हो गया, 1/15, 1/16, 1/17 भी नहीं, 1/18 नहीं, 19, फिर 20, मतलब यही है जो आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और भी आपको लिखवाऊं क्या, 1/25 इंपॉर्टेंट है, 4%, 1/24, 1/26, चलिए तो 1/25 कहीं कहीं दिखाई देगा नहीं, वैसे जितना ही आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, तो इनको जिस ग्रुप में लगाया गया है वहां पर देखिएगा। ठीक है, थोड़ा नहीं, जैसे क्या होगा यहाँ पर, क्या आपको यहाँ सीखना है, जैसे कि 1/3, 1/3 की वैल्यू क्या है, 33 1/3%, देखिए 33 1/3% की वैल्यू 1/3 है, एग्जाम में क्या आ जाएगा, मान लीजिए 2/3, तो 2/3 में जानता हूँ क्या है, 2 × 1/3, और मैं जानता हूं कि 2 × 1/3 की वैल्यू क्या है, 33 1/3, तो जब यहां गुणा होगा तो 33 × 66, और 2 × 1/3 में होगा तो क्या जाएगा, 66 1/3%। क्या मेरी ये बात आप समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर। चलिए इसे मैं रब कर दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। हाँ सर,
जैसे कि जो आपके एग्जाम में लास्ट ईयर आए हुए हैं उन पर ज्यादा फोकस करिए, क्या क्या है देख लीजिए। जैसे 1/3 की वैल्यू मैं जानता हूँ, 33 से 1/3 आएगा, तो इनसे ही मिलती जुलती कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न आपको मिलेंगे। जैसे आपके एग्जाम में आ गया 2/3, तो हम जानेंगे कि 2/3 कैसे लिखा गया है, 2 × 1/3। हम 1/3 की वैल्यू जानते हैं कि 2 × 33 से 1/3%। 33 सही 1/3 को मैं लिख सकता हूँ, 33 + 1/3 बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 2 का गुणा इसमें होगा 33 × 66 प्लस 2 का गुणा इसमें भी होगा, कितना जाएगा 2/3। तो क्या बन गया, फिर चिपका दीजिए, 66 सही 2/3% है ना। जैसे कल को आपके एग्जाम में आ गया 3/8, तो मैं जानता हूँ कि 1/8 क्या है, 12 सही 1/2। 1/8 12 सही 1/2, तो 3/8 तीन गुना हो जाएगा, 12 × 36, 1/2 में आ जाएगा, 3 से गुणा होगा 3/2। तब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 3 × 1/8 परसेंटेज में चेंज करना है 1/8 की वैल्यू, 12 सही 1/2%। 3 × 12 सही 1/2 का मतलब है 12 + 0.5%। 3 का गुणा होगा 12 × 36% और यहाँ पर 3/2, फिर आप चिपका दोगे तो 36 सही 3/2। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर आप मिश्रित भिन्न में लिखते हैं तो यहाँ पर शेषफल आता है, शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, तो यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान देना है। ऐसा करने पे भी आंसर तो गलत नहीं आएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैं आपको केवल करके दिखा रहा हूँ, 3 सही 1/2 का मतलब भी क्या है, 2 × 1 = 2, 1। 3/2 को 1 सही 1/2 लिख सकते हैं, ये भी क्या है, 36 + 1 + 1/2, 36 और 1 = 37, 1/2%। अब आप सोच रहे हो इतना करने से अच्छा है कि हम वहीं पर मल्टीप्लाई करके 100 भाग दे दें, तो ये आपको मेंटली करना है ना। जैसे 5/8 की वैल्यू अगर आ जाए तो 1/8 की वैल्यू 12.5%, 5 से गुणा होगा तो 12 × 5 = 60 बनेगा, और 1/2 था उसमें 5 से गुणा होगा तो 5/2 मतलब 2 सही 1/2, 80 में 2 जुड़ेगा तो 82 सही 1/2, समझ पा रहे, सॉरी 62 सही 1/2%। मैंने क्या कहा कि 5 × 1/8, 5 × 12.5%, 12 × 5 = 60, 5 से गुणा इसमें होगा 5/2, ये क्या है 2 सही 1/2, 60 में 2 जुड़ेगा 62 सही 1/2%। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं लिख देता हूँ, बाकी कभी आता है या बाई प्रैक्टिस आप जब भी टाइम मिलेगा इसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे 1/3 33 सही 1/3%, 2/3 66 सही 2/3, ये आया हुआ है, और नहीं आया हुआ नहीं मैं लिख देता। ठीक है, 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/2%, आप में 3/8 आया हुआ है 37 सही 1/2%, 5/8 आया हुआ है अभी हमने निकाला 62 सही 1/2, तो इनको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, नीचे 8 है तो 8 की रिस्पेक्ट में हम जानते हैं 12.5% होती है, तो वहां पर हम सोचेंगे, 3 के रेफरेंस में हम ये सोचते हैं। ठीक है, जैसे कि 1/7 है, कितना होता है 1/7, 14 × 2/7%, तो आपके एग्जाम में क्या आया हुआ है 5/7, 5/7 तो क्या भाई मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 5 = 70, 5 × 10 = 10, हम जानते हैं 10/7 क्या है 1 सही 3/7, 7 × 7 = 10, तो यहां पर क्या, सॉरी 4/7 आया हुआ है, वैसे भी निकाल लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं, 14 × 56, 4 × 8/7 मतलब 1 and 1/5, 56 और 1 = 57 सही 1/7%। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको पढ़नी है परसेंटेज में, अगर ये बात आप एक बार समझ गए तो आपकी यात्रा बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर किसी संख्या का आपको 25% दिया गया है तो अब हम क्या समझेंगे, हमको क्या दिया गया है 1/4,
वन बाई फोर में है कि अगर संख्या चार है तो चार का जब भी 25% निकालेंगे वो कितना आएगा, एक। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात में, जैसे कि यही मैं सवाल बना दूं, किसी संख्या के 25% में या 33 से 1/3% में तीन में 10 जोड़ने पर 10 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है? चलिए अब बताइए। एक तरीका तो है कि अपना बेसिक जिंदा कर लें, जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन आज की दौर पे वो भी सही बात है, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक मतलब कॉन्सेप्चुअल। नहीं, एक तरीका तो ये है कि सॉल्यूशन माना संख्या x है ना, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भाई कि संख्या में संख्या के 33% में कि संख्या के 33 1/3% 10 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या का 33% क्या है, x का 33 1/3%, ये संख्या का 33.5%, 33.5 नहीं कहते हैं, 33 1/3%, इसमें जब 10 जोड़ते हैं तो क्या मिल जाती है, स्वयं संख्या। इसे हम हल कर सकते हैं, कर लीजिए, 33 99 100 एक्स गुणे 100/3 परसेंटेज 1/100 प्लस 10 बराबर एक्स, 100 से 100 कट गया, एक्स 3 प्लस 10 बराबर एक्स, इसको यहां भेज दिए तो क्या हो गया, x माइनस x बाई 10 एक्स 3 बराबर 10, ये 3x में x गया, 2x 3 बराबर 10, 2 पंचे 10, x कितना आ गया 15, तो वह संख्या कितनी है 15। ये तो हमारा बेसिक से, लेकिन इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको हर एक स्टेप लिखनी पड़ती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इतना ना हमारे वक्त है और ना ही हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, यहां पर 33.5 या 33 1/3% दिया हुआ, हम जानते हैं ये कितना होता है 1/3, तो ये हमें क्लू देगा कि हम माने क्या, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर x मान रहे हैं, डॉक्टर थोड़ी कह रहा है x मानो, y मांगो, p मानो, z मानो, कुछ भी मानो, जब मानने की स्वतंत्रता हमें दी गई है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो 33 1/3% की वैल्यू 1/3, इसका मतलब माना संख्या तीन है भाई। फ्रैक्शन वैल्यू जब भी आएगी तो अपने सरलीकरण रूप में आएगी, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आप अगर उससे मानेंगे तो सबसे इजी कैलकुलेशन बचेगी। तो अगर संख्या तीन है और तीन का अगर मैं 1/3 निकालूंगा तो कितना आएगा, एक, इसका मतलब संख्या का 33 1/3% क्या है, एक। तो अगर संख्या का 1/3 है, संख्या का 1/3 एक है, तो एक में मैं क्या जोड़ दूं कि मुझे वापस संख्या मिल जाए, तो आप कहेंगे सर दो जोड़ दो भाई। तीन अगर मैंने संख्या मानी है, संख्या का 33 1/3% एक है, तो मुझे वापस संख्या चाहिए, तो मैं क्या जोड़ूंगा, आप कहोगे दो जोड़ दो, और संख्या में क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है, 10 जोड़ने पर, तो दो का मान कितना दिया है 10 के, तो 1/5 के, 1/5 के तो संख्या क्या है 3, 3 × 5 कितना 15, एक लाइन में आंसर आ गया। फिर समझिए, 33 1/3% की वैल्यू 1/3, मैंने माना संख्या कितनी है 3, ये मैंने नंबर माना है, संख्या का 33 1/3% कितना आएगा 1, अगर 1 में मैं क्या जोड़ूं कि वापस मुझे संख्या मिल जाए, तो आप कहेंगे 2 जोड़ दो, और सवाल में क्या कहा है कि 10 जोड़ दो,
तो 2 बराबर 10 के, 1 बराबर 5 के, तो 3 बराबर 15 के, एक लाइन में सवाल हल हो गया। ठीक है, आइए एक सवाल और। किसी संख्या का 33% 24 के बराबर है, वह संख्या क्या है? पहले हम छोटे छोटे सवाल करते हैं ताकि हम सवाल को समझ सकें, करने का तरीका हमें पता हो कि तरीका करना कैसे है हमें, है ना। उसके बाद बड़े बड़े सवाल भी आसान बन जाएंगे। ठीक है, आइए, किसी संख्या का 33% 33% मतलब हम जान गए 3/8। इसका मतलब संख्या अगर 8 है तो 8 का 37% कितना होगा? 3। इसका मतलब संख्या अगर 8 है तो उसका 37% क्या है? 3। प्रश्न में ये बता रहा है 3 किसके बराबर है? 24 के। अगर 3 24 के बराबर है तो 1 किसके बराबर है? 8 के। तो 8 किसके बराबर है? 8 अट्ठे 64। हमारा आंसर आ गया। अगर संख्या मैंने 8 ली है तो 8 का 37% 3 के बराबर, इसका संख्या का 33% 3 के बराबर है, और 3 किसके बराबर दिया हुआ है? 24 के। तो 3 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 8, 1 बराबर 8 के, तो 8 बराबर 8 × 8 मतलब 64। सिंपल, ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। तो एक तो ये तरीका है, बाकी देखिए अभी हम केवल बेसिक समझ रहे हैं कि परसेंटेज क्या है, वो हमने समझा। परसेंटेज जो करना कैसा है, वो करना कैसे है, वो हमने सीखा। अब परसेंटेज की कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। इतनी सी बात हम जान लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि 250 का 10% बताओ, आप कह कर लोगे, क्या करोगे आप? 250 का 10% में 10/100, 20 से 20 कट गया, कितना आ गया? 25। अगर मैं आपसे कहूं कि 500 का 10% बताओ, 5000 ले लेते हैं, तो 5000 का 10% आप कहोगे सर 500, निकालिएगा। 5000 का 1% आप कहोगे सर 50। मैं कहूंगा 5000 का 0.1% आप कहोगे 5, फिर 0.01 आप कहोगे सर 0.5, फिर मैं कहूंगा 0.001% आप कहोगे 0.05, है ना। बहुत आसान है, आप भी जानते हैं शायद। देखिए, जब 5000 का 10% निकालना था, इसका मतलब संख्या स्वयं 100% के बराबर होगी। 5000 अगर 100% के बराबर है, 100% मतलब पूरी संख्या, तो 5000 का जब मैं 10% निकाल रहा था, मतलब एक जीरो इधर से गया तो एक जीरो इधर से गया, तो 10% कितना आ गया था? 500। फिर मुझे 1% चाहिए था, यहां से एक जीरो गया, यहां से एक जीरो गया, तो 1% किसके बराबर आ गया था? 50 के। अब मुझे 0.1 निकालना, 1 तो मिटा नहीं सकता हूं, तो मैंने 0.1 लगा दिया, एक अंक के बाद, तो यहां पर भी एक अंक के बाद, या अभी यहां जीरो हटा सकते हो, जीरो हटा दो, तो 0.1% कितना है? 5 बराबर। अब 0.01, दो अंकों के बाद दशमलव, तो अब संख्या हटा सकते, तो आपने भी एक दशमलव देना शुरू कर दिया, पॉइंट फिर 0.01 आ गया, तो यहां पर दो अंकों के बाद लगेगा, तो 0.05। हो क्या रहा है वो आपको समझना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप सोचेंगे थोड़ी आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी।
जैसे 225 का कोई हमसे कहे 10%, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहां तो जीरो है नहीं, हम हटा नहीं सकते हैं। मतलब 100 में जितने जीरो कम होते जाएंगे उतना संख्या में बाई ओर दशमलव चलता जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि 225 का 10%, तो एक अंक के बाद दशमलव, कोई कहते 1% बताओ तो दो अंकों के बाद, कोई कहते 0.1% तो तीन अंक के बाद, इस तरह से, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने लिखा हुआ है 10,000, 1% एक अंक के बाद दशमलव, 1,000। मैं कह दूं नहीं भाई, 1% दो अंक के बाद दशमलव। मैं कहूंगा 0.1% तीन अंक के बाद, 0.01 चार अंक के बाद, इस तरह से बाईं ओर दशमलव चलता जाएगा। अब बात है कि सर इसमें कौन सी नई बात है, 1% 10% ये तो निकालना बड़ा आसान है, तो इससे हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 25 250 है, इसका मैं कह दूं 20%, तो 20% हम डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 2500 का 10% कितना होगा, 25। अगर 10% 25 के बराबर है तो 20% भाई, परसेंटेज वैल्यू 2 times, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, दोगुनी, तो 20% कितना हो जाएगा, 50। जैसे 250 का 10% 25 है तो 20% 50, 30% 75, 40% 100, 50% 125, है ना, इस तरह से हम करते जाएंगे। जैसे कोई पूछ लिया कि भाई 225 का बता दो भाई 20%, तो हम जानते हैं 10% कितना होगा, 22.5, तो 20% कितना होगा, ये 2 times, तो ये 2 times, भाई 22.5 है, 22.5 मतलब 20 और 25, 20 दूनी 40, 25 दूनी 5, 40 5 45, याद रखिएगा। ये सब कैलकुलेशन मेंटली हो तो आसान है, अगर इसको भी करने के लिए आपने पेन चला दिया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमने सीखा, और हमने क्या सीखा, हमने और सीखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए 250 है, कोई कहते भाई 25% बताओ, है ना, सब 10 के रिस्पेक्ट में चलेगा, भाई हम जानते हैं कि 10% 25 है तो 20% कितना है, आप कहोगे सर 50, हम कहेंगे भाई 5% बचा हुआ है, तो 10% अगर 25 है तो 5% कितना होगा, 25 का आधा कितना, 12.5, तो 25% हो गया, कितना हो गया, 62.5, है ना, समझ पा रहे हैं आप, बहुत होशियार हैं आप। यही 250 का अगर मैं कह दूं कि भाई 32% बताओ, तो आप जानते हैं कि 10% कितना, 25, अगर 10% 25 है 30% 75, 30% अगर 75 है तो मुझे 2% और चाहिए, 1% कितना होगा, 2.5, तो 2% कितना, 2.5 का 5, तो 32% कितना हो जाएगा, 75 5 80, है ना। तो इस तरह से आपको मेंटली कैलकुलेट करना है, याद रखिएगा। जैसे आइए, सॉल्व करना है ना, कैसे करेंगे, अगर आप मेंटली कर सकते हैं तो इससे कोई अच्छी बात ही नहीं है, ट्राई करिए। आपको ट्राई करना है मेंटली, ठीक है, मेंटली आपको प्रिपेयर होना है मेंटली, ठीक है।
एग्जाम में जरूरी है कि मेंटली कैलकुलेशन ज्यादा हो, तभी हमारा टाइम बच सकता है। इन छोटी मोटी कैलकुलेशन में अगर आपने पेन चला दिया तो और लोग तो मेंटली करने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि 10 के रिस्पेक्ट में ही हम सब कुछ निकाल सकते हैं। 10% 1/10 है ना, 20% 1/5, 25 1/4, 33 1/3, 1/3, इन सारी चीजों से ही खेल है। केवल नंबर को कभी इधर लिखना है कभी उधर लिखना है, नंबर इज ऑल अबाउट, है ना, सब कुछ नंबर ही है। 44% में काम कर सकते हो कि आप 50% निकाल लो, 6 कम कर लो, है ना, इस तरह समझ लो, मतलब जिस तरह से आपको अच्छा लगे। आपको लगता है सर हमने अभी 10% पढ़ा तो निकाल लेते हैं, वैसे 62.5 10%, एक अंक के बाद दशमलव, 40% निकालना है मतलब 4 गुना, 62.5 को 4 गुना करना है तो आप 62.5 को कैसे सोच सकते हो, 60+2.5, 60 का 4 गुना 240। भाई अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, शुरू शुरू में लिख रहे हो तो थोड़ा सा पेन चला लो, 60 का 4 गुना 240 और 2.5 का 4 गुना 10, इसका मतलब यहां से कितना आ गया, 40% कितना, 250, ये हो गया 60 का, ठीक है आप निकाल लीजिएगा। फिर 4%, मैंने कहा 1% कितना है भाई, 6.25, तो 4% कितना होगा, फिर वही बात है कि 6.25 को आप तोड़ोगे 6+0.25 में, ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना, 6 चौके 24, 25 चौके 100, 1, तो 24 और 1 25, इसका 250 और 25 कितना हो गया, 275, ये आ गया, ठीक है। ऐसे आपको करना है, 125 का 38%, 40 निकाल लो, 2 कम कर दो भाई, 125 का 10% 12.5, 40% चाहिए 4 गुना, तो 12.5 दुनी 25, 25 दुनी 50, ये 50 आ गया 40%, समझ पा रहे हैं आप, 12.5 का दुगना किया और 25 और 25 का दुगना 50, 40 गुना, 2% कम कर देता हूं, 1% कितना है, 1.25, 2% कितना होगा, 2.5, 50 में 2.5 जाएगा कितना आएगा, 47.5, ये आ गया यहां पर। फिर बचता है यहां 312 का 66 सही 1/2, हम जानते हैं 66 सही 6.6% कितना होगा, 2/3, 3 से काट दिया, 3 चौके 12, 208, बस इसको जोड़कर इसमें से घटा देना है। 275 में अगर 45 पहले मैं जोड़ू तो 275 5 80, 80 में 40 जोड़ेंगे 320, और 320 में 2.5 जोड़ेंगे 322.5 माइनस, अब 322.5 से 208 घटाने हैं, कैसे घटाएंगे तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि भाई क्या है, 322+0.5-208, इसमें से हटा देते हैं, है ना, 22 में 8 गए 14, 300 में 200 गए 300, भाई यहां पर क्या, देखिए पहले मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूं एक बार, आप देख लीजिए 300 इस तरह से, भाई इसको जो आप मेंटली करोगे वो लिख के दिखा रहा हूं, 300 में 200 गए कितने आए 100, 22 में 8 गए 14 और 0.5, तो ये क्या हो गई 114.5, है ना। तो आपको करना कैसे, अगर यहां पर करने हैं तो 22 में 8 गए 14, 300 में 200 गए 100, मतलब 114.5 था, 114.5, समझ पा रहे, तो मैथ यही है, आपको बस इधर उधर करना है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है वो देख लीजिए, जैसे आपको लगे सर ने क्या बकबक दिया, 625 का 44% निकालना था तो हमने 625 का पहले 40% निकाला, 10% कितना ये, तो 62.5 है 10%, तो 40% कितना होगा, ये 4 गुना, तो ये 4 गुना, तो हमने क्या किया कि भाई 62.5 को लिख दिया 60+2.5, 4 यहाँ होगा 240 और 2.5 चौके 2.5 दुनी 5 दुनी 10, तो ये कितना आ गया 250, है ना। अगर 40% 250 है तो ये था क्या, तो 4% कितना होगा, इसका भी 1/10, तो ये हो जाएगा 25, तो 225 275, यहां पर भी वैसे ही किया, 125 का पहले 40% निकाला, 125 का 10% ये, तो इसका 4 गुना, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया 10+2,
चार दहम्मा 40, ढाई चौके 10, कितना आ गया 50, 2% घटा दिया, कितना आ गया 43.5, आगे तो आप जानते हो। तो ये तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है जो आपको अच्छी करनी है, इस पर मैं और वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो परसेंटेज में भी हमने इतना जाना, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होता है द रियल परसेंटेज।